अनुकूल ग्रहण, जैसे भगवत प्रसन्नता के लिए जो भी करना चाहिए अनुकूल, जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, जो भी कर्म करो प्रभु के प्रसन्नता के लिए करो। हमारे समस्त कर्म चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए, हमारे अपने लिए कोई चेष्टा ही नहीं। हम कर्म करते हैं, क्यों कर्म करते हैं? ना प्रभु करा रहे हैं इसलिए करते हैं, कर्म ही, कर्म का कोई परिवर्तन नहीं। जो शरणागत होने से भजन करने से आप जो काम धाम करते हैं छोड़ देना पड़ेगा। कोई गृहस्थी है तो ऐसे सोच सकते हैं, जो हम गृहस्थी घर में दुकानदारी करते हैं या नौकरी चाकरी करते हैं, तो क्या हम तो भजन करेंगे प्रभु को पाने के लिए, तो हमको छोड़ना पड़ेगा? बोलते कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक भावनात्मक परिवर्तन। जो कर्म कर रहे हो करो, जो घर में रह रहे हो रहो, जो बाल बच्चा लेके कुटुंब लेकर जिस तरह से रह रहे हो रहो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। बोले फिर तो अभी तो वैसे तो है ही है, तो अभी रह रहे हैं। बोले ना, सिर्फ मन की भावना का एक परिवर्तन। तुम जानो ये घर जो मकान दुकान है ये प्रभु का, ये बाल बच्चा जो भी है हमारे संपर्क में जो भी है ये प्रभु ने ये संयोग दिए हैं। बस हम जो भी करते हैं प्रभु के दास बन के प्रभु करा रहे हैं, उनके कर्म करा रहे हैं, और हमारे कर्म के एक ही मात्र उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता। तुम प्रसन्न हो जाओ, हमारे समस्त कर्म चेष्टा के मूल कारण प्रभु की प्रसन्नता है। जो दुकानदारी करो ये प्रभु करा रहे हैं, प्रभु का काम दुकानदारी, ये दुकान प्रभु का है, प्रभु करा रहे हैं, है ना? तो जाके ये कर्म तुम्हारा बंधन के कारण नहीं, ये कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। जब कर्ता बन के अपना भोगेच्छा लेकर के वही कर्म करोगे तो वही कर्म तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा। स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के रहने से वो बंधन का कारण नहीं, लेकिन ये मेरा है, मेरा पुत्र, मेरा कर, मेरी कन्या, ये भावना लेकर के जब उनकी सुखेच्छा लेकर के तुम जब उनके सुख संपादन के लिए कायम वचन से चेष्टा करते, तो ये है बंधन का कारण ना। जैसे कर रहे करो, न प्रभु के जन है ये, प्रभु के जन है हमारा, ना पुत्र ना कन्या है। जब तक शरीर है हमको करना है, हमारी ड्यूटी, प्रभु ने हमको ड्यूटी दिया है, हम ड्यूटी करें, ऐसा भावना लेकर करो तो वो कर्म, वो संसार तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। और कर्ता बन के उनके सुखेच्छा लेकर के इंद्रिय तृप्ति के लिए भोगेच्छा लेकर के जब कर्म करते हैं, वो कर्म हमारा बंधन का कारण हो जाता है। एक भावनात्मक परिवर्तन, ना कि क्रियात्मक परिवर्तन। क्रियात्मक नहीं भजन, फिजिकल प्रिपरेशन नहीं, इंटरनल प्रिपरेशन, प्रिपरेशन आत्मिक प्रिपरेशन, ये प्रस्तुति। हमको ये भावना का परिवर्तन करना है। ये अंतर जगत है, यहाँ हम हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, यहाँ दुनिया का मेला, यहाँ मैं हूँ अकेला। बस ये जान करके, हाँ संसार में रहो, सब करो, पुत्र कुटुंब परिवार पालन पोषण कर्म नौकरी चाकरी दुकानदारी सब करो, जानो इससे लेना ना देना, मगन रहना, बस ये ऐसे हो गया तो संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं, वो संसार तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। मुक्ति यहाँ, भक्ति यहाँ, बंधन यहाँ, ये सब यहाँ, यहाँ पर ही सब है, यही बंधन यही मुक्ति। एक भावनात्मक परिवर्तन लाना है। जब तक हम लोग भजन करते हैं लेकिन हमारे भीतर वो भावनात्मक परिवर्तन नहीं, क्रियात्मक परिवर्तन। क्रियात्मक माने इतना नाम करो, गुरुदेव ने कहा इतना नाम करो, इतना पूजा करो, पाठ करो, ये करो, करते हैं एक क्रिया। मन से उसका कोई संबंध नहीं, मन तो हमारे संसार में है, पूजा करते हैं, चलो तो दुकान में जाना है, ये करना है, जल्दी जल्दी करो, अब समय तो हो गया, जल्दी करके अब पूजा कर रहे हैं, नियम क्रिया। बोले क्रिया नहीं है ये, तो समझते नहीं है, नाम कर रहे हैं, ओहो बहुत टाइम हो गया, शंखा तो पूरा हुआ नहीं, अभी तो कहाँ ये करना है, वो करना है, वो करना है, बस कोई रकम कचर कचर कोई कचर नाम करके माला कर, आज का भजन हो गया, ऐसे एक क्रिया नहीं है, एक भावना है। जो भी करो, जितना भी करो, तन मन से करो। जब तक भजन करोगे तब जानना संसार से हमारा कोई मतलब नहीं, जितना भी समय तुम दे सकते हो उसमें जानना ये समय हमने प्रभु के लिए अपने को बेच दिया, बस अब हम संसार के नहीं है। मान लो हम 2 घंटा के लिए हम मर गया,
हम मर जाएं, मर गए तो क्या होगा? ऐसे ही मान लो दो घंटा हम मर गया, संसार के लिए नहीं, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, हम ये भजन छोड़ के उठेंगे नहीं, है ना? ऐसा होना चाहिए ना, क्रियात्मक नहीं भावनात्मक होना चाहिए।